बुरी सुन, कल दिवाली की सफाई करनी है तो जल्दी आ जाना, ठीक है? नहीं, मैं नहीं आ पाई दीदी, मेरे को भी अपने घर पे दिवाली का सफाई करना होता। हाँ ठीक है, तू ज्यादा ड्रामे मत कर, ठीक है? The next day. चल पहले फैन साफ कर दे। देवा दे देवा, इतना ऊंचा फैन मैं कैसे साफ करेगी दीदी? मैं गिर जाएगी, मेरे पैर वैर में चोट लग जाएगी, तो मेरा तो दिवाली खराब हो जाएगी ना तुम्हारा फैन साफ करने के चक्कर में। फैन नहीं कर पाएगी दीदी मैं। क्या अभी फैन कौन साफ करेगा? तू नहीं करेगी तो चल ठीक है, फैन रहने दे, मैं कर दूंगी। तू घर के सारे जाले साफ कर दे। नहीं, ये तो मेरे से होएंगे इश नहीं दीदी। मैं ऐसे किसी का घर का तोड़ने का काम ही नहीं करती दीदी। मैं ऐसी औरत इश नहीं, मेरे से नहीं होएंगा ये। अरे मैं किसी की चुगली करने को नहीं कह रही हूँ, वैसे तो दिन भर यही काम करती है। देवा रे देवा, मेरे से नहीं होएगा दीदी। मैं ऐसे किसी का बद्दुआ नहीं ले सकती दीदी। वैसे भी दीदी, मकड़ी भी तो दिवाली में अपने घर का सफाई कर ही रहेंगी ना। वो देखो उसका जाला कितना साफ सुथरा लग रहा है दीदी। दीदी ऐसे नहीं कहेगा, मेरे से नहीं होएगा दीदी सफाई। मैं जाला नहीं साफ कर सकती दीदी। वैसे भी दीदी, वो लोग भी तो तैयारी कर रहा होगा ना दिवाली का, कितना खुश होगा उनका छोटा छोटा क्यूट सा बच्चा, जब अपने 8 हाथों में ऐसे फुलझड़ी लेके ऐसे जलाएंगा दीदी, कितना क्यूट लगेंगे ना दीदी, सबको खुशी होएगा दीदी। मेरे से नहीं होएगा दीदी जाला वाला साफ, ऐसा पाप ना को कराओ मेरे से दीदी। 2 hours later. और तो तू कुछ कर नहीं रही, तो एक काम कर, क्रॉकरी निकाल के साफ कर दे। क्या दीदी, सारा क्रॉकरी मैं अभी तो साफ कर ही रही दीदी, अभी पिछले दिवाली पे तो सारा क्रॉकरी साफ कर ही रही मैं, भूल गई क्या? हाँ, जिसमें से तूने 2 glass तोड़ भी दिए थे। हाँ, अभी 2 glass तोड़ी रही मैं उस वक्त, अभी फिर से टूट जाएंगा 2 glass तो पूरा सेट खराब हो जाएगा ना दीदी आपका। क्रॉकरी वैसे भी साफ रखा होएगा दीदी, रहने दो दीदी, क्रॉकरी भी साफ करने की जरूरत नहीं दीदी। 1 hour later. वो दीदी, मैं क्या कह रही थी दीदी, वो दिवाली का बख्शीश थोड़ा जल्दी देगी दीदी, मेरे को बच्चा लोग के लिए गिफ्ट लेना है ना दीदी। बख्शीश? कौन सी बख्शीश? जब तूने कुछ काम ही नहीं करा तो तुझे बख्शीश किस चीज की मिलेगी? सारा काम तो मैंने करा है, तो दिवाली की बख्शीश भी मैं ही रख लेती हूँ। गरीब लोग का कोई नहीं होता दीदी, कोई नहीं होता। देखो कितना काम करती मैं तुम लोग के घर, सारा दिन काम करती दीदी। थोड़ा बख्शीश मांगा है साल में एक बार, उसको भी तुम मना कर दीदी थी। कोई नहीं होता दीदी गरीब लोगों का दीदी। अच्छा चल चल, ज्यादा ड्रामे मत कर, हर बार का तेरा यही है, कभी साफ सफाई करती नहीं है, और ये रोने का ड्रामा कर करके आंसू तो तेरे एक भी निकल नहीं रहे। पर चल मैं सोचूंगी। A few moments later. दीदी आप मेरे को बोल ही रहे ना, पुराना कपड़ा आप निकालेंगे, पुराना पुराना जो आप नहीं पहनेंगे वो आप मेरे को दे देंगे। आप फ्री है ना दीदी? आई कपड़ा निकाल के देखते है ना दीदी, कौन कौन सा आप मेरे को देगी। अरे हाँ, ये तो मैं भूल गई थी। हाँ चल अभी देख लेते हैं, फिर तो टाइम मिलेगा नहीं हमें, है? आ जा। नहीं, ये तो बहुत क्यूट है। ये अरे इसका तो कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी है, देख कितनी सुंदर डिजाइन भी है। ये तो मैं घर पे पहन लूंगी। चुड़ैल कहेगी। ये होली पे पहन लूंगी। ये तो दे दे लालची औरत, दे दे। ओ, ये तो कितनी क्यूट है, ये तो मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, इसको भी रख लेते हैं। ये मुझे थोड़ी टाइट आती है, तो ये मेरे को आएंगी दीदी, मेरे को आएंगी। तो जब मैं पतली हो जाऊंगी तब पहन लूंगी, इसको भी रख लेते हैं, मेरे को आएंगी ना दीदी। कितनी लालची दीदी है। ओ, ये तो बहुत ज्यादा लूज है, मेरे को बहुत बहुत ज्यादा लूज है।
बट इसका प्रिंट कितना क्यूट है ना। एक काम करते हैं, जब मैं मोटी हो जाऊंगी ना तो पहन लूंगी, अभी रख लेती हूँ। देवा रे देवा, चलो हो गया। सारी ड्रेस रख ली मैंने। अच्छा ये हैंकी बचा है, ये तो बड़ा पुराना सा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे फटने वाला है। ये रख ले दीदी, रख ले, मेरे को पता है आप इसको भी नहीं देंगी। दीदी एक काम करिए, तू रख ले, इसका भी क्या लेगा कोई। दीदी छोड़ लेते, ये ना आइसिंग के काम आ जाएगा, फेस पे आइसिंग वगैरह करते, इसको भी रख लेती हूँ। नमस्ते मैडम, आई एम फ्रॉम विदेशी ताली कंपनी, माय नेम इज चालूलाल चिंदी चोर झूठे। नमस्ते नमस्ते, हाँ जी बताइए। मैडम हम दिवाली की सफाई करते हैं, ये हमारा कार्ड, और आपको करवानी ही पड़ेगी सफाई। नहीं नहीं हमें नहीं करवानी है, हमने करवा ली है दिवाली की सफाई। मुझे पता था मैडम आपने सफाई करा ली होगी, आप शक्ल से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा समझदार भी दिख रही है। बट ये जो हम सफाई करते हैं उसके बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो सफाई है ये बड़े बड़े अंबानी अडानी जैसे लोग करवाते हैं, तभी तो वो इतने करोड़पति लोग हैं आजकल, और हम ही उन्हें सर्विस देते हैं। आप करा के देखिए सफाई मैडम, आप करोड़पति ना बन गए तो मेरा नाम बदल देना। अरे आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा, मैंने बोला तो हमने दिवाली की सफाई करा ली है, अब नहीं करानी है। मैडम हम घर में जो तिजोरी होती है उसकी सफाई करते हैं, सोने चांदी की सफाई करते हैं। आप पागल पागल हो क्या? अरे मैडम यही तो स्कीम है, ये बहुत ही खास लोगों के लिए होती है, अंबानी अडानी जैसे लोग, वो हमसे अपनी तिजोरी और सोने चांदी की सफाई तो करवाते हैं, तभी तो उनसे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है, घर की सफाई से थोड़ी प्रसन्न होती है लक्ष्मी माता। आप एक बार करा के देखिए मैडम, आप करोड़पति ना बन गई तो आप मेरा नाम बदल देना। ऐसी सफाई कौन कराता है सोने चांदी की, वो तो हम खुद कर लेंगे, आप जाइए यहाँ से। ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा मैडम आपके पास पुरानी चीजें भी तो होंगी, फटी पुरानी, जैसे कि 2500 के फटे पुराने नोट होंगे, काली होगी, चांदी होगी, टूटे फूटे कान के, या फिर रिंग टूट गई होगी, वो तो पड़े होंगे, वो दे दीजिए, हम कबाड़ी का भी काम करते हैं। ये मेरा कार्ड मैडम। 2500 के नोट, मुझे तो लगता है आप किसी पागल खाने से आए हैं, कौन ऐसी चीजें देता है, पागल पागल हो क्या? अच्छा तो मैडम कुछ पुरानी चीज होगी, कुछ पुराना आईफोन टीवी फ्रिज कुछ तो होगा, गरीब लोगों कुछ तो होगा तुम्हारे यहाँ। अरे भैया कुछ नहीं है हमारे यहाँ, आप जाओ। अरे मैडम कुछ गुच्ची प्राडा लुई विटों बर्बरी के पुराने कपड़े जूते कुछ तो होंगे, वो ही दे मारो मेरे मुंह पे मैडम। नहीं है जो आप इतनी ऊंची ऊंची ब्रांड्स का नाम ले रहे हो ना, वो हमने तो कभी देखी नहीं है। ये आपको मिलेंगी अंबानी अडानी सलमान खान शाहरुख खान के यहाँ, तो आप उनके यहाँ जाओ और उनके यहाँ दिवाली की सफाई करो, तो वहां पे आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। हम गरीबों को बख्शो, और आप जाओ। क्या करूं इसका, ये तो पीछे ही पड़ गया है, कैसे भगाऊं इसको। एक आइडिया है। अच्छा रुको रुको, एक पुरानी चीज है मेरे पास, मैं अभी लाती हूँ। ये लो भैया, ये सोन पापड़ी है भैया, पिछले साल की बच गई थी। ये तो सच में ही गरीब निकले रे। खुश होगा फुलझड़ी पटाखा उनका जब बच्चा छोड़ेगा अपने आठ हाटों में आठ हाटों में, उनका छोटा छोटा बच्चा जब अपने आठ हाथों में ऐसे फुलझड़ी पटाखा छोड़ेगा, कितना क्यूट लगेगा ना दीदी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है दिवाली की तैयारियां? हमारे घर में तो ऐसी चल रही है जैसी आपने देखी। अगर आपके घर में भी ऐसी तैयारियां चलती हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा,
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दिवाली को बहुत इंजॉय करें एंड सेफ रहें और मिठाइयां कम खाना। बाय बाय, लव यू ऑल।